गुरुग्राम से बड़ी खबर। जी हाँ, नगर निगम ने पूर्वांचलियों के आस्था का प्रमुख केंद्र सूर्य मंदिर व छठ घाट परिसर में घुसकर वहां बने बाउंड्री वॉल को अवैध निर्माण बताकर बिना कोई नोटिस के जबरन तोड़ दिया है। इससे पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। अब ऐसे में आरबीएम न्यूज का बड़ा सवाल, नवंबर में छठ पूजा है और इसके पूर्व गुरुग्राम में छठ घाट की बाउंड्री वॉल को क्यों तोड़ दिया गया? गुरुग्राम में पूर्वांचल वासियों के साथ भेदभाव क्यों? हरियाणा के सीएम व गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर जवाब दें। पूर्वांचलियों ने दी है चेतावनी। जी हाँ, नवंबर में छठ पूजा से पहले अगर तोड़े गए बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया तो करेंगे बड़ा आंदोलन। बाउंड्री वॉल तोड़े जाने के विरोध में पूर्वांचल वासियों ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को सौंपा है ज्ञापन। आगे देखते हैं पूरा मामला क्या है। हरियाणा के गुरुग्राम में न्यू पालम बिहार द्वारका एक्सप्रेस वे के पास सूर्य मंदिर और पक्का छठ घाट बना हुआ है, जहाँ की पिछले 20 वर्षों से पूर्वांचल व मिथिलांचल के हजारों लोग पूजा करते आ रहे हैं। वैसे भी छठ पर्व पूर्वांचल और मिथिलांचल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। अब जबकि नवंबर में छठ पूजा है, गुरुग्राम नगर निगम की ओर से यहाँ बने छठ घाट की बाउंड्री वॉल को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया गया है, जबकि यह बाउंड्री पूर्वांचल के लोगों ने चंदा कर इसलिए बनाई थी ताकि छठ घाट परिसर में लगे पेड़ पौधों को जानवर घुसकर नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ और भी धार्मिक स्थल है जहाँ की बाउंड्री वॉल बना हुआ है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। छठ घाट की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने के विरोध में पूर्वांचल और मिथिलांचल समाज के लोगों ने सोमवार को गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें इस समाज से जुड़े दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मौके पर जेजेपी के जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद ऋषि राणा भी मौजूद रहे। ज्ञापन देने के बाद इस समाज के लोगों ने आरबीएम न्यूज से बातचीत में चेतावनी दी है कि अगर छठ पूजा से पहले तोड़े गए बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया तो समाज के लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। मालूम हो कोई गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में लाखों की संख्या में पूर्वांचल और मिथिलांचल समाज के लोग रहते हैं, जिनके लिए छठ पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दिल्ली NCR के पूर्वांचली और मिथिलांचली आंदोलित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये न्यू पालम बिहार का इलाका है, यहाँ की सूर्य मंदिर है और यहाँ छठ घाट भी है, जहाँ पूर्वांचल के लोग पिछले 20 साल से इस यहाँ हर साल अपना जो पूर्वांचल का जो महान पर्व है छठ यहाँ मनाते आ रहे हैं। और आपको बता दूं, न्यू पालम बिहार राजेंद्र पार्क के इलाके में करीब 15,000 से 20,000 पूर्वांचली यहाँ रहते हैं और जो है इन दिनों जो है नगर निगम की ओर से यहाँ जो छठ घाट घाट की जो बाउंड्री दी हुई थी उसको तोड़ने का काम किया गया, जिसको लेकर यहाँ पूर्वांचल समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और इसको लेकर आंदोलन पर उतारू है पूर्वांचल के लोग। और अब देखना यह है कि नगर निगम और गुड़गांव प्रशासन की आंखें कब खुलती है। तो गुड़गांव से न्यू पालम बिहार से आरबीएम न्यूज के लिए मैं सुरेंद्र प्रताप, नाम संजीव कुमार सिंह, वार्ड नंबर 1 छठ घाट सूर्यदेव मंदिर। 20 वर्षों से छठ पूजा मनमुख मनाते आ रहे हैं यहाँ पे। मंदिर निर्माण 2012 में किया गया है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए थे, जितने बार पेड़ पौधे लगाते हैं भैंस आके खा जाती है। और हम लोगों ने 3 फीट की माइनर सा मतलब दीवार किए थे बाउंड्री, जो निगम के 3 बगैर सूचना के ही तोड़ दिया गया। ये कब की घटना है? ये 30/9 की घटना है। ये यहाँ पे करीब 6-7 है।
अच्छा, तो सिर्फ पूर्वांचल का ही छठ घाट का ही तोड़ा गया और बाकी किसी का नहीं तोड़ा गया। तो इसके पीछे क्या साजिश नजर आ रही है आप लोगों को? ये पीछे यहाँ की जो पार्षदों है, पार्षद और निगम कमिश्नर ने मिलकर तोड़वाया है। नहीं, आप लोगों ने तो निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया होगा, क्या बोला निगम कमिश्नर? उन्होंने बोला कि अवैध कब्जा कर रखे हो आप लोगों ने। यहाँ पे करीबन 15,000 से 20,000 जो है छठ भर्ती है, छठ भर्ती आते हैं, लाखों के संख्या में यहाँ पे पूर्वांचलियों है जो छठ पूजा महोत्सव मनाते हैं। मेरा नाम रामाशीष तिवारी है और मैं यहाँ पुजारी हूँ सूर्यदेव मंदिर में। ये तो 200 वर्ष से चल रहा है, यहाँ तो बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा है, यहाँ लोग बसे हैं तो अपने निष्ठा धर्म के अनुसार यहाँ छठ व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ये हमारी संस्कृति का रक्षा करने का एक काम है, हमारा धार्मिक चीज़ है, धार्मिक स्थल है, इसको सुरक्षा करना चाहिए, और नहीं तो इन लोगों ने इसको इस पर हानि पहुंचाया है, तो इसके लिए काफ़ी दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश जो है हर धर्म के लोगों की रक्षा करता है और हम यही चाहते हैं कि हमारे इस धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, इस स्थल की रक्षा हो, इस मंदिर की रक्षा हो, और यहाँ सभी लोग आवें, खुशी पूर्वक इसमें शामिल हों और इस धर्म को आगे बढ़ावें। आज पूर्वांचल समाज गुड़गांव के दर्जनों संस्थाएं, गुड़गांव नगर निगम के मुख्यालय पधारी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पूर्वांचली लोग आए हुए हैं और ये जो है न्यू पालम बिहार में जो सूर्य का जो मंदिर है, जो छठ घाट है, जहाँ करीब 20 सालों से छठ व्रती पूजा करते आ रहे हैं, नगर निगम द्वारा उसको बाउंड्री को तोड़ने का काम किया गया, उसके खिलाफ बड़ी संख्या में यहाँ पूर्वांचल के लोग आए हुए हैं। तो आज आपको इन सब से मिलवाते हैं कि आखिर इनका क्या डिमांड है। मैं अर्जुन दास, न्यू पालम बिहार छठ पूजा समिति का अध्यक्ष। मेरा बाउंड्री कई सालों से वहाँ बना हुआ था, अभी थोड़ा दिन में ही हमारा छठ पूजा आने वाला है। इसके वजह हम लोगों ने कुछ घेरा वो किया था, तो उन्होंने हमारे जो जितने भी पेड़ थे, 350 पेड़ हमने लगाया था, उसको बचाने के लिए हमने थोड़ी सी बाउंड्री की थी, निगम द्वारा उसको तोड़ दिया गया है। हमें निगम से मांग है कि उस बाउंड्री को फिर से बनाया जाए। ये है ऋषि राज राणा जी, जो JJP के अध्यक्ष भी हैं जिला के और पूर्व पार्षद रह चुके हैं पालम बिहार इलाके के, और उन्हीं के इलाके में ये जो घटना घटी है छठ घाट तोड़ने की। और बता दूं कि इनके रीजन में ही छठ मंदिर का निर्माण हुआ था और जो है छठ घाट का भी निर्माण हुआ था। ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है लोगों के साथ। मानव नगर निगम की लैंड है, लगभग 2 एकड़ जमीन है, वो उसमें पहले से 5 मंदिर बने हुए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक पार्क बना हुआ है, एक बिजली दफ्तर उसी नगर निगम की लैंड में बना हुआ है, और एक सूर्य देव मंदिर और छठ घाट। हमारे जो पूर्वांचली साथी हैं, एक काफ़ी संख्या में हमारे वार्ड में रहते हैं, उन्होंने उसका निर्माण किया था 2012 में, और मंदिर एक दिन में बनता नहीं, 2012 से लेकर आज तक उसका कार्य चल रहा है। वार्ड नंबर 1 के जो वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने कोई शिकायत की है कि भाई कुछ असामाजिक तत्व सरकारी जमीन पर, नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। 2012 से मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, इन्होंने वहाँ पे हजारों पौधे लगाए हैं। पौधे लगाते हैं, कुछ दिन बाद वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जंगल है, गाय भैंस सुअर वहाँ पे घूमता रहता है, पानी जब बारिश ज़्यादा होती है तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने, जो आज के टाइम में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है गुड़गांव जैसे शहर में, इन लोगों ने अपनी कष्ट कमाई से पैसा इकट्ठा कर करके वो चार दीवारी का काम शुरू किया, वो भी DPC लेवल तक का, कि भाई जानवर पानी ये ना घुस सके। और ये जो भी हुआ इनके साथ गलत हुआ, हम पूरे पूर्वांचल समाज के साथ हैं और इनके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। मैं सतेंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच गुरुग्राम। देखिए, हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल छठ पूजा होता है, और विगत 4-5 सालों से नगर निगम हमेशा सपोर्ट कर रहा है हम लोगों का। हर एक घाट पर बिजली पानी सब चीज़ नगर निगम सपोर्ट करती है, कॉपरेट करती है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इस बार कि हम लोगों का आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा, जो कि अब 1 महीना रह गया है पूजा हमारा,
हम लोग हर एक जगह अपने तैयारी में लगे हुए हैं और इस दरमियान हमारी चार दीवारी को तोड़ दिया जाता है, छठ पूजा घाट के चार दीवारी को तोड़ दिया जाता है। यही जानने के लिए आए हैं कमिश्नर साहब के पास कि ऐसी कौन सी बात हो गई। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छठ हमारा सर पे है, अब नगर निगम लग जाएगा, हमारा सब चीज़ तैयारी में योगदान देगा हर एक तरह से, लेकिन ये क्या हो गया, हमारे बाउंड्री टूटने लगे। इसी बात को जानने के लिए हम लोग ज्ञापन देने सारे पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आदरणीय कमिश्नर महोदय से हम लोग वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस टाइप की जो भी कार्रवाई हुई है निगम द्वारा, इसको जो भी हुआ है गलत हुआ है और जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके वहाँ पे नया बाउंड्री बनाया जाए और छठ पूजा में जो भी बेसिक सुविधाएं पहले से दिया जाता रहा है उससे ज़्यादा इस पर दिया जाए, इसी के लिए हम लोग सारे इकट्ठा हुआ है। गुड़गांव में कहाँ कहाँ छठ घाट तोड़ा? देखिए ये पहले तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, विगत दो सालों से ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। सेक्टर 4 में फाउंटेन पार्क होता था जहाँ पे बहुत ही सेक्टर के बीच था और हमारे माँ बहनें कम से कम 5-7 हज़ार वहाँ आती थी और व्रत करती थी। लास्ट ईयर वहाँ के लोकल RWA के द्वारा जो है उसको, उस इतना सुंदर फाउंटेन था जहाँ पे ग्रीनरी बहुत था और हमारे पूर्वांचल के समाज लोग वहाँ देखभाल कर रहे थे, उसको बिना मतलब का उस फाउंटेन में कम से कम 30-40 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था नगर निगम का और उसमें मिट्टी भरवा दिया गया। लोगों का नियत क्लियर है, नहीं चाहते हैं कि छठ पूजा हो, नहीं चाहते हैं कि सफाई हो। अब क्या बताएं आपको, इस टाइप की घटनाएं पहले वहां हुई और आज यहां हो गई। सेक्टर 15 में भी ऐसे ही हुआ था, वहां भी घाट बना था, वहां भी कुछ शरारती लोगों ने वहां भी भरवा दिया। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं छठ पूजा में, जिसके लिए हम लोग नगर निगम कमिश्नर से मिलने आए हैं। जी, मैं उपेंद्र है, पूर्वांचल जन कल्याण संघ का अध्यक्ष, और आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कमिश्नर साहब को, क्योंकि ये छठ जो पर्व होता है पूरे दुनिया के हर कोने में जहाँ पूर्वांचल परिवार रहते हैं, और ख़ास तौर से ये NCR में तो करीब करीब हमारे हिसाब से गुड़गांव में हजारों के संख्या में छोटे छोटे घाट बना के और हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जो नगर निगम द्वारा हम लोगों को करवाया जाता है। लेकिन यही नगर निगम जो है हमारा एक सूर्य भगवान के जो मंदिर बना हुआ है और सारे मंदिर बने हुए हैं उनके ऊपर कोई मापदंड नहीं है। ये पूर्वांचल समाज के सूर्य भगवान के जो मूर्ति बना हो उसको चार दीवारी इसलिए घेरा गया था कि हजारों के संख्या में हमने पौधा लगाया था हरियाली के लिए। जल जीवन हरियाली के नारा हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री करते हैं पौधा, और हम उसी को बचाने के लिए हमने चार दीवारी उसी टाइम जब छठ पूजा हुआ था और सब ने करा रखा है, हमने भी कराया था बचाव के लिए कि किसी के नज़र लगी, और लगने की बात है, देखो सीधी सी बात है, हम लोगों के लिए तो सरकार ने बहुत सारे जगह व्यवस्था कर ही रखा है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि ये तालाब हम लोग खोलते हैं वहाँ विरोध कर देते हैं। नगर निगम से निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर जो चार दीवारी तोड़ा गया है औरों को देख ले, बहुत सारे मंदिर वहाँ है, अंबेडकर मंदिर है, विश्वकर्मा मंदिर है, आपको गुरुद्वारा बना हुआ है, आपको आर्य समाज के बना हुआ है, उनकी चार दीवारी बना हुआ है, उनकी गेट बना हुआ है, उनको पेंट किया गया है, और हमारी सिर्फ जो है ना 4 इंच की दीवार सिर्फ घेर के पशुओं को बचाने के चक्कर में, पौधा को बचाने के चक्कर में इन लोगों ने ये इस तरह के घिनौना अपराध किए हैं, अच्छी बात नहीं है। ये कमिश्नर साहब को सुनना चाहिए पूर्वांचल वासियों के लिए कि उनको पता है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, और मैं इसमें बिल्कुल कम परवाही नहीं करूंगा। मैं निवेदन करता हूं DC साहब के पास, इसके बाद DC साहब के पास जाऊंगा, विधायक के पास जाऊंगा, यहां नहीं सुनेंगे तो मैं CM साहब तक भी एप्लीकेशन दूंगा कि भाई हमें छठ पूजा के और सूर्य भगवान के सुरक्षा के लिए आप लोग क्या आगे कर रहे हैं। मेरा नाम रणधीर राय है, जन सेवा संघ की चेतना मंच के अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज छठ घाट जो पालम बिहार में है उसकी दीवार तोड़ी गई है, ये कहीं ना कहीं घोरी निंदनीय बात है, और ऐसी घटना हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नगर निगम द्वारा की जाती है, चाहे लोकल पार्षद द्वारा जो भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा 1 महीना अब छठ घाट रह गया, तो फिर विरोध करेंगे, इसका हम जुलूस निकालेंगे, विरोध करेंगे। मेरा नाम राजेश पटेल हुआ, सोशल वर्कर। छठ पूजा का घाट का बाउंड्री तोड़ा गया था वार्ड 1 में, उसके लिए हम लोगों का एक डेलीगेशन, पूर्वांचल समाज के दर्जनों संस्थाएं, नगर निगम कमिश्नर गुड़गांव, यहां के मेयर मधु आजाद दी, DC गुड़गांव को ज्ञापन देंगे। हम संजय सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल एकता मंच, और जो कुछ कार्रवाई की गई है हमारे छठ घाट के लिए तोड़ने के लिए, हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से पुनः मांग करते हैं कि जो स्थिति में पहले थी उस स्थिति में पूरा हमें बना के दिया जाए। विश्व विजय झा, मिथिलांचल जनसेवा समिति, गुरुग्राम।
दो साल से देख रहे हैं कि आए दिन पूर्वांचल विरोधी घटनाएं होती आ रही है गुरुग्राम के अंदर में। इससे पहले पटेल नगर की जो छठ पूजा समिति थी वो गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में हम लोग छठ पूजा करते थे। पहले वहाँ की RWA ने उस पार्क को घेर दिया, वहाँ नहीं करने दिया। फिर हम लोगों ने दूसरा जगह चयन किया था सेक्टर 15 पार्ट 2 में, फिर उसको अभी घेर दिया गया, जिसकी भी हम लोगों ने गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी को भी ज्ञापन दिया हुआ है, हुडा कमिश्नर में भी दिया हुआ था। वो जमीन, वो पार्क हुडा का था, फिर भी वहाँ पे छठ पूजा के विरोध में वहाँ पे चार तरफ बाउंड्री कर लिया गया, छठ पूजा नहीं होने देने के कारण। और ये ताजी घटना जो अभी आप देख रहे हैं, जहाँ पिछले 20 वर्ष से छठ पूजा मनाया जा रहा है न्यू पालम बिहार में, और वो ताजी घटना बिना किसी नोटिस का, अगर आप किसी का कोई अवैध कब्जा भी होता है उस पे के ऊपर भी अगर आप तोड़फोड़ करते, उसकी नोटिस दी जाती है कि आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप इसके ऊपर अपना वो हटा ले, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया, और हमारे इस छठ पूजा के घाट पर जो तोड़फोड़ हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं इस पूर्वांचल समाज के माध्यम से। बहुत झा हूँ, यहाँ पे भूमिजा मैथिली मंच गुड़गांव में है, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जो हमारी एक आस्था का प्रतीक चिन्ह है वहाँ पर न्यू पालम बिहार में, जहाँ पर हम लोग हर साल छठ पूजा और दुर्गा पूजा वगैरह का आयोजन करते हैं, उसकी चारदीवारी की गई थी जानवरों से रक्षा करने के लिए, चूँकि पेड़ पौधों को तोड़ दिया जाता है। नगर निगम ने बिना कुछ सोच विचार किए हुए उस चारदीवारी को तोड़ दिया। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि उसको पुनः चारदीवारी को किया जाए और उस मंदिर की जो प्रांगण है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। सुखदेव सिंह यादव, छठ सेवा समिति न्यू पालम बिहार की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। वहाँ पर सूर्यदेव मंदिर का निर्माण 2008 से ही शुरुआत की गई है। निगम द्वारा वहाँ पर बहुत से मंदिरें बनी हुई है, जिस प्रकार और मंदिरों की जगह मिली है, हमारे को ऋषिदार राणा जी जो हैं पार्षद थे उस समय के, उन्होंने जमीन का कराया, और हम लोग बहुत टुकड़ों टुकड़ों में छठ व्रत करते थे, लेकिन उन्होंने सबका प्रयास किया, बोला कि आप लोग को यहाँ पक्का छठ घाट बनाएंगे, और पक्की छठ घाट बहुत दिनों से बना हुआ है, 20 साल से ऊपर हो गया जो हम लोग पक्की छठ में पूजा करते आ रहे हैं। RVM न्यूज हमेशा सच के साथ। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो प्लीज RVM न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।